गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की कहानी कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। चलो हम इस कहानी को शुरू करते हैं और एक बात सुन लो, कहानी सुनते वक्त आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें, इससे कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी अनुराधा की है और ये उसकी ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी है। अनुराधा कहती है, मैं नागपुर में रहने वाली हूँ और मेरी उम्र 34 साल है। मेरे शादी को हुए 7 साल हो चुके हैं। मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा 3 साल का और बेटी 2 साल का। मेरा रंग सांवला है लेकिन मेरा शादी के बाद भी मैं बहुत ज़्यादा निखर है मेरे शरीर में। शादी से पहले मैंने अपने कई रिलेशनशिप भी थे, वो मेरा उस समय बॉयफ्रेंड था। उसके बाद तो सिर्फ हस्बैंड के साथ ही मेरा रिश्ता है और शायद ये बात ज़्यादातर महिला के साथ होती होगी कि शादी के कुछ टाइम तक वो तो पति पत्नियाँ बहुत वक्त देते हैं, हर टाइम बस उनसे वक्त बिताते हैं, मगर जहाँ दो बच्चे हो जाए उसके बाद तो सिर्फ नाम मात्र ही लाइफ रह जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे फैमिली में सिर्फ हस्बैंड के बड़े भाई भाभी वो भी अलग रहते हैं, इसलिए हम लोग बिना रोक टोक के हर जगह घूमते हैं, मगर बच्चे होने के बाद लाइफ थोड़ी बोरी हो गई। मेरे अंदर की जो बात है वो सब शांति नहीं होती और मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब मेरे हस्बैंड जॉब पर चले जाते हैं और बच्चे सो जाते हैं तो मैं भी इधर उधर घूमते रहती हूँ, कभी कुछ तो कभी कुछ, बस अपने बारे में सोचती रहती हूँ। शायद इसलिए नतीजा ये हुआ कि मैं उनके बाहों में चली गई। ये सब कैसे हुआ वही सब तो मैं बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड के बड़े भाई की उम्र 38 साल है। वो दिखने में औसत कटकातिक है, उनका पेट हल्का सा निकला हुआ है। उनकी खासियत यह है कि वो किसी को भी अपने बातों से फंसा लेते हैं, शायद इसलिए उनके बाहर इतने चक्कर चल रहे होते हैं। मैं उन्हें भाई साहब बोलती हूँ। ये बात 1 साल पहले की है। भाई साहब का डिवोर्स हो रहा था जिस कारण भाई साहब बाहर मुंह मारा करते, जिसका पता उनकी वाइफ को पता चल गया था। मेरी जेठानी स्वभाव की बहुत अच्छी थी, उन्होंने भाई साहब को पहले भी कई बार पकड़ा था मगर अपने बच्चों के खातिर माफ़ कर दिया। लेकिन जब भाई साहब अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। भाई साहब पर इस बात का कोई असर नहीं था, वो वैसे ही अय्याशी करते। एक रात मेरे पति के पास कॉल आया कि भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया। मेरे पति और मैं बहुत डर गए। मेरे पति तुरंत हॉस्पिटल गए तो देखा कि भाई साहब के हाथ और पैर में प्लास्टर लगा हुआ था और सर पर पट्टी थी। 2 दिन के बाद भाई साहब को होश आया, तब पता चला कि भाई साहब की आंखें भी चली गई, उन्हें दिखाई नहीं दे रही। भाई साहब ये जानते ही रोने लगे, तब उन्हें मेरा हस्बैंड ने संभाला। 1 महीने बाद भाई साहब घर आ गए, कुछ छोटी मोटी चोटों में प्लास्टर अब भी थी। अब भाई साहब हमारे साथ ही रहने लगे। भाई साहब का सारा टाइम बस कमरे पे ही रहकर बीतने लगा, वो कमरे पे अकेले रोते रहते। मैं और मेरे हस्बैंड उनकी बहुत समझाते मगर आंखों की रोशनी जाने के बाद इतना गहरा था कि उन्हें संभालने में काफ़ी वक्त लग गया। फिर कुछ दिनों बाद भाई साहब ने सब कुछ ईश्वर की मर्जी मानकर खुद को समझा दिया। भाई साहब के एक्सीडेंट का असर मेरे लाइफ में ज़्यादा हो गया, जिस कारण ये था कि अब मेरे हस्बैंड को उनके हिस्से का काम करना पड़ता। हम दोनों की लाइफ में जरा भी वक्त नहीं मिल पाता, हमारे बीच रिश्ता 1-2 हफ्ते में एक बार ही हो पाता।
भाई साहब पर मेरी नज़र तब गई जब वो हर रोज मैं उनका कपड़े साफ करती और मैं उन्हें देखा था। मैं समझ तो गई थी कि भाई साहब क्या सोचते हैं। मैं कई बार उन्हें देखती और उनके बारे में सोचती, तो कई बार अपने आप को देखती। थोड़ी देर बाद मैं, एक दिन की बात है, कपड़ा धोकर उठी तो भाई साहब रूम में थे। वहाँ मैं उनका चादर बदलने गई तो उस पर भी दाग लगा था। मैं जल्दी से चादर वापस बदल कर आ गई। दोपहर के टाइम जब बच्चे सो रहे थे तो भाई साहब भी अपने कमरे पे थे। मैं इधर उधर ही घूम रही थी, मुझे बार बार भाई साहब की मतलब दाग याद आ रही थी। मैं भी बस उनके बारे में ही सोच रही थी। मेरा मन भाई साहब के बारे में कुछ उलट पुलट आने लगा। मैंने खुद को दरवाजे के अंदर लॉक करके हल्के से घूमा और मैं अंदर घुस गई। मैंने देखा तो भाई साहब सो रहे थे। उस वक्त मैं उन्हें देख कर ही बस सोच रही थी। भाई साहब के सामने मैं देख रही थी बस उन्हें। कुछ देर बाद मैं उन्हें देख ही रही थी। कुछ दिनों तक मैं भाई साहब पर नज़र रखती मगर मैंने उन्हें कुछ ऐसे करते नहीं देखा। अब जब मैं उन्हें चादर बदलती तो मैं उनके दाग देखती। मैं हमेशा बस सूंघ लेती। एक दिन भाग्य ने मेरे साथ दिया। मैं दोपहर को खाना लगाकर भाई साहब को बुलाने गई तो मैं चुपचाप उनके रूम गई। भाई साहब रूम में नहीं थे, तभी मैंने देखा टॉयलेट पर थे। मैं घर में आकर अपने कमरे में टॉयलेट अटैच था। जब मैंने देखा तो भाई साहब को देखा। भाई साहब को देखकर मैं थोड़ा सा ये हो गई, बस मैं उन्हें देख ही रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें सब कुछ नोट किया। एक दो पल बाद भाई साहब रूम में आ गए। मैं वहीं खड़ी थी। भाई साहब को शायद लगा कि मैं रूम में कोई है। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, कौन अनुराधा? मैंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने अपने आप को फिर अपना काम शुरू कर दिया। तभी भाई साहब ने मेरे बेटे को आवाज़ लगाया। मैं तुरंत दबे पांव कुर्सी के पीछे छिप गई। मेरा बेटा अंदर आया और ताऊजी को बाहर ले गया। भाई साहब बाहर जाते ही मैं वॉशरूम गई। मैंने सब कुछ देखा, साफ किया और आ गई। मैं अब हमेशा उन्हें देखती और उनका रूम में आवाज़ लगाती। दरवाज़ा भिराने की आवाज़ हो गई। भाई साहब आवाज़ सुनकर बोले, अनुराधा क्या तुम मेरे कमरे पे हो? मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। मैं बोलने लगी, वो भाई साहब वो, मगर आप इधर आ गए। भाई साहब को देखने लगी। उनको देखने से साफ साफ लग रहा था जैसे वो जान गए हैं कि अभी मैं उनके रूम में थी। फिर हम सब खाना खाए। मैंने अपने बच्चों को दूध खिलाया और रूम में जाकर खेलने लगी। मेरे भाई साहब बोले, अनुराधा मुझे कमरे में ले जाओ। मैं उनका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। भाई साहब बोले, अनुराधा गेट बंद कर देना। मैंने कहा, ठीक है आप आराम करो, कुछ चाहिए तो आवाज़ दे देना। मैंने गेट खोला और गेट लगा दिया मगर मैं बाहर नहीं गई। मैं गेट बंद होने के आवाज़ से भाई साहब को लगा कि मैं बाहर चली गई मगर मैं अंदर ही थी। मैं उन्हें देख रही थी और उनके बारे में ही देख रही थी। वो मेरे बारे में ही कुछ बोल रहे थे और वो ये कर रहे थे। तभी मेरे बेटे की आवाज़ आई, वो मुझे बुला रहा था। मैं चुपचाप निकल गई। इससे पहले मेरा बेटा भाई साहब के रूम पे आता, मैं हल्के से लॉक घुमाकर दरवाज़ा खोला मगर दरवाज़ा खुलने की हल्की सी आवाज़ भाई साहब ने सुन ली। भाई साहब ने तुरंत ही गर्दन घुमाई तो मैं वहीं खड़ी थी। भाई साहब दरवाजे की मुंह करके मुस्कुराने लगे। मुझे लगा भाई साहब को पता चल गया कि मैं उन्हें देख रही थी। मैं बिना कुछ बोले जल्दी से उनके कमरे से बाहर निकल गई। उस दिन तो मैं बस बढ़ गई। अगली सुबह एक नया ही नज़ारा मेरा इंतज़ार कर रहा था। हर सुबह भाई साहब जल्दी उठ जाते मगर आज वो सो रहे थे। इतने महीनों से भाई साहब को मैं देख रही थी, ये पहली बार था। मेरी नज़र उनके तरफ से हटी नहीं रही थी। तभी मैंने भाई साहब को हिलाकर जगाया, उनको सुबह उठकर गुड मॉर्निंग कहा और उसके बाद मैंने उन्हें देखा। ऐसे करते वो उनका चेहरा ऐसा था जैसे मुझे देख रहे हैं। मैं वहाँ से चली गई। मेरा मन वही नज़ारा घूम रहा था।
मैं समझ नहीं रहा था उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ किया। मुझे कुछ देर में उनका जवाब भी मिल गया। मेरे पति जब उन्हें नाश्ता के लिए लेने गए तो उन्होंने मना कर दिया। पूछने पर बोले मैं बाद में करूँगा। पति के जाने के बाद मैं काम करने लगी, तभी भाई साहब की आवाज़ आई, अनुराधा मेरे कपड़े निकाल दो। मैं तुरंत भाई साहब के कमरे पे गई, वो सिर्फ मतलब थे। उसके बाद उन्होंने कहा, अनुराधा मुझे पता है कि तुम मुझे देख रही थी, लेकिन वो चाहते थे, वो समझ रहे थे, मैं भी समझ रही थी, लेकिन मुझे ये एहसास था कि ये सब गलत है। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। भाई साहब के ने कहा, एक एक शब्द मेरे कानों पे गूंज रहा था। शादी के बाद मैंने पति को धोखा नहीं दिया। मैंने फैसला नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं असमंजस में थी कि मुझे भाई साहब की बातों पर आना चाहिए या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुझे भाई साहब के बातों पर आना चाहिए? अपने जवाब कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय, टेक केयर।